नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक सागर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो विंडोज होती हैं ये आउटडेटेड क्यों हो जाती हैं। मतलब एक विंडो क्या हमेशा नहीं रह सकती, वो क्यों चेंज होती है, एंड सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो है विंडोज़ XP। लेकिन आप जानते हैं कि 2014 में विंडोज़ XP का जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो चुका है। ऑफिशियली कोई भी अपडेट्स उसमें अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका क्या मतलब? और अब आने वाले साल में 2020 14 जनवरी को विंडोज 7 का भी सपोर्ट खत्म होने वाला है। जी हाँ, खत्म हो जाएगा। मतलब क्यों हो रहा है? देखिए, कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी हार्डवेयर होता है, तो उसकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन होता है। एक एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन मतलब ये कितना ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। अब जो अपडेट्स आपको मिलते हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्वीकिंग के लिए होते हैं, उसकी कोई भी अगर बग पाया गया उसके अंदर उसको इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फॉर एग्जांपल एक साल पहले लॉन्च हुई है, अब उसमें कोई बग मिल गया तो उसको ठीक करना है, तो वो कैसे करेंगे? अब माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से हर एक आदमी तो आपके घर नहीं आएगा, सबके घर में ठीक करने तो नहीं आएगा। ये तो बिलियंस ऑफ कॉपी बिकी हुई हैं, तो हर इंसान तो आ नहीं सकता। तो इसीलिए वो एक अपडेट लॉन्च करते हैं, जो आप इंस्टॉल करते हैं, जो कमी, जो बग है, जो भी वल्नरेबिलिटी, वो पैच हो जाती है, राइट? तो यहां पर देखा जाए तो एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर देने से सारा काम खत्म नहीं हो जाता। उसको मेंटेन करना, उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करना भी एक चीज होती है। ठीक है, तो उनको काम करना पड़ता है। आप एक बार विंडोज ले लेते हैं तो आपने तो एक बार पैसे दे दिए अगर खरीदी हुई है तो, लेकिन जब उसके अपडेट्स आ रहे हैं उसके वहां तो इंजीनियर काम कर रहे हैं और वो भेज रहे हैं आपको अपडेट, यू नो, काम चल रहा है वहां पर। तो ये इनका काम होता है। तो ये एक प्रोडक्ट के लिए किसी सीमित दौर पर, सीमित समय तक ही काम करना चाहते हैं। अब वो ये नहीं चाहते कि विंडोज XP एक बार उन्होंने लॉन्च कर दिया, अब क्या पूरी जिंदगी उसका उसके लिए सपोर्ट करते रहेंगे? वो भैया अपना काम करेंगे, तुम्हारे जिन थोड़ी है वो कि 20 साल पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया तो 20 साल तक उसकी अपडेट दिए ही जा रहे हैं। और बैठ के मालिक भी परेशान हो रहा है, अरे यार हमने अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, 20 साल तक इनकी तो हमें आओ भगत करनी पड़ेगी, इनकी तो हमें पूजा करनी पड़ेगी, इनको तो सर्विस प्रोवाइड करनी नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल देते हैं, चमचमाती उसकी लाइन हेडलाइन दिखाते हैं कि इसमें ये फीचर है, वो फीचर है, दिखने में अच्छा होता है और वाकई में उसमें फंक्शंस ज़्यादा होते हैं, फीचर ज़्यादा होते हैं। तो फिर वो नया आता है प्रोडक्ट, फिर उसको बेचते हैं, फिर उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करके पूरी जिंदगी उसकी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम 10 साल में, 15 साल में या 5 साल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे और 5 साल तक उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और वहां उसका किस्सा खत्म कर देंगे। तो उसके अपडेट नहीं आएंगे तो वो वायरसेस का फर्क, जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अब वायरसेस का क्या खेल है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, विंडोज ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 80-90% जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो विंडोज ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके लिए पैसे देते हैं, ये बात आप जानते नहीं होंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह हैं, खैर वो तो देंगे ही, नहीं तो उन पर तो भैया छापा लग जाएगा, भैया हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, फ्री में कर रहे हो, फ्री नहीं है या पैसे लगते हैं इसके? लेकिन घर में, अगर गांव में कहीं छोटे छोटे करना तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन वो गलत तो गलत ही है। ठीक है, तो अब ऐसे होता है। तो अब ये जो विंडोज ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए बुरे लोग वायरस भी ज़्यादा बनाते हैं। आपको एक बात पता है कि ज़्यादातर जो भी वायरसेस बनते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो बनाते हैं, इंटेंशनली वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं लोगों पर हमला करने के लिए, सब करने के लिए। ठीक है, तो विंडोज़ जब ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वायरस भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, एंटीवायरस अच्छा चाहिए। अब वो सपोर्ट दे नहीं रहे, उन्होंने तो मना कर दिया, बोला हम XP के लिए कुछ नहीं देंगे, हम तो विंडोज 7 निकाल दी, अब तुम जानो अपना। लेकिन कुछ लोग जो सरकारी संस्थान है वो फिर भी विंडोज XP ही इस्तेमाल कर रहे थे पहले तक, और उनको सपोर्ट दी जा रही थी, थोड़ी एक्सटेंडेड सपोर्ट उनको दी जाती है, रियायत हुई। और कुछ लोग तो अब भी विंडोज XP इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको वायरस का कोई खतरा नहीं। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे खतरा नहीं, ऐसे कैसे खतरा नहीं, वो अलग है क्या? हाँ, वो अलग इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें विंडोज XP इस्तेमाल होता है, उसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, बाहर से कोई मीडिया फाइल डाली नहीं जाती, कोई पेन ड्राइव वगैरह, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं इंसर्ट की जाती, सो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसमें वायरस आ सके। इन केस कोई एक्सटर्नली चाहकर उसमें वायरस डालना चाहे तो वायरस नहीं आ सकता। जैसे कोई डोर ओपनिंग का सिस्टम है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे केस में विंडोज XP इस्तेमाल की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी संस्थान में भी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के बावजूद भी, लेकिन अब वहाँ भी गाइडलाइन है कि आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें। इवन ATM में और जो जो मशीनों में
एक्सपी इस्तेमाल हो रहा था तो रैनसमवेयर का बहुत खतरा था। तो उस चीज़ को देखते हुए भी हमारे भारत में भी विंडोज़ एक्सपी को अब हटा दिया गया है सब जगह से, अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा विंडोज़ 7 इस्तेमाल होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सपोर्ट क्या होता है, विंडोज़ एक्सटेंडेड सपोर्ट क्या होता है और क्यों ऐसे प्रोवाइड करते हैं, वायरस का खतरा क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है ना। कोई भी आप कमी होगी तो माइक्रोसॉफ्ट वाले बोल देंगे भैया ये हमने 20 साल पहले लॉन्च किया था, हमारे हाथ जो हम हाथ जुड़वा लो, इसकी सपोर्ट नहीं देंगे हम नए वाले की देंगे, नया ले लो, वो इतने का ले लो। ऐसे होता है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों अब आगे अगले साल विंडोज़ 7 भी जयराम जी की टाटा, तो विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए आपको बोलेंगे वो लोग, तो आप समझ गए होंगे पूरी जानकारी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंटरेस्ट है आपको, इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर 299 रुपीस का एक इथिकल हैकिंग कोर्स है जो आपको बता देगा आप इथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं, कैसे वीडियो कोर्सेस हैं छोटे छोटे जो आपको बताएंगे कैसे सीखोगे इथिकल हैकिंग। अगर चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। We'll be right back.